नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खबर मधुबनी जिले के जयनगर से आ रही है, जहां बीते दिनों शराब द्वारा चार पहिया वाहन से कुचलकर की गई एसएसबी हत्याकांड को लेकर मधुबनी पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। आपको बता दें कि मधुबनी जिले के लदनिया थाना क्षेत्र से लगने वाली भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा को देखते हुए मुस्तैद एसएसबी लगडे योग्या कैंप के 18वीं बटालियन के जवान 43 वर्षीय देवराज को शराब तस्कर ने अपने चार चक्का वाहन से रौंद दिया था। उसकी गलती यही थी कि वह अपने ड्यूटी पर मुस्तैद थे और तेज गति से भाग रही गाड़ी को रोकने का इशारा किया। घायल जवान की मौत इलाज के क्रम में मधुबनी सदर अस्पताल में हो गई। वह हिमाचल का रहने वाला था। इस बात को जिला पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया। वही जवान हत्याकांड को लेकर मधुबनी पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। लदनिया पुलिस एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि कल शराब तस्कर के द्वारा सीमा पर तैनात एसएसबी के एक जवान को चार पहिया वाहन से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। वही यह बताना उचित प्रतीत हो रहा है, इससे पूर्व में भी तस्करों के बढ़े हुए मनोबल का खामियाजा सीमा सुरक्षा में मुस्तैद एसएसबी जवानों को झेलना पड़ा है। तस्करों के संगठित गिरोह के द्वारा इन जवानों के ऊपर लगातार हमला होती रही है। चौथा स्तंभ ब्यूरो खबरों में अपने लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Facebook पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.4thastambhdigital.com पर जाएं।